नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन संस्था टर्ब तालुक में। मैं गौरव निरंजन उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ एकलव्य बनने के पथ पर अग्रसर होंगे। एकलव्य एक ऐसा नाम जिसको सुनकर एक गुरु और शिष्य की कहानी याद आती है। एकलव्य के द्वारा किया गया बलिदान याद आता है और गुरु द्रोण की उसके प्रति निष्ठा याद आती है। त्याग भावना क्या होती है ये कोई एकलव्य से सीखे और एकलव्य बनकर ही आपको भी इस समाज में, इस देश में क्रांति लानी है, बदलाव करने हैं और उस बदलाव के लिए जरूरी है आपके कंधों पर सितारों का होना। और उन सितारों के लिए हमारी टीम टारवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की टीम आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में आपके लिए एक बैच लेकर आई है, UPSI एकलव्य बैच। और इस बैच में जैसा कि आपको पहले से पता है, जो हमारे टीचर हैं, जिन टीचरों से आप बार बार पढ़ते आए हैं, वही सारे टीचर मिलकर आपको अध्ययन कराएंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो भूगोल वाला पार्ट में आपको पढ़ाता हूं, भूगोल में पढ़ाता हूं। और भूगोल में मैंने पिछले वीडियो में, अपने पिछले डेमो वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र। और भारत के महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में हमने बात की थी, एक तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र की और दूसरी बात हमने की थी विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र की। आज उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र है और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र के हमने बताया था कि विंध्याचल, जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, भारत के पर्वतीय क्षेत्र उसमें लिखा होगा। तो हमने आपको विंध्याचल पर्वत, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, इसलिए इसे भारत का विभाजक कहा जाता है। और उसी उसी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में यहां पर एक और माउंटेन्स है और इस माउंटेन का नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है? तो यहां पर एक और पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा। ये हमारा भारत देश है, भारत, और यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है विंध्याचल। यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है विंध्याचल। और विंध्याचल के दक्षिण में यहां पर एक जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र का नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। तो विंध्याचल के कहां पर है? विंध्याचल के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। और इसी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होते हुए एक नदी प्रवाहित होती है और यहां से जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा। यानी नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। हम यह भी कह सकते हैं और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की सीमाएं बनाती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की क्या करती है? सीमाएं बनाती है, दोनों पर्वतों को पृथक करती है। और इस सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक और नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम भी याद रखना है, ताप्ती है। ये नदी कौन सी है? तो यहां पर जो नदी है वह ताप्ती है। कई बार इन्हीं चार का, विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन्हीं का कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्रम लगाने के लिए बोल देता है कि इनको उत्तर से दक्षिण या पूर्व में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के रूप में व्यवस्थित कीजिएगा। आपके सामने चार स्थलाकृतियां दिख रही हैं, तो सबसे ऊपर वाली उत्तर है यानी विंध्याचल सबसे उत्तर में है। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो यदि इन चारों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को बोला जाए तो आपको यही वाला क्रम याद रखना है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। और अगर दक्षिण से उत्तर लगाने को बोल दिया जाए तो ताप्ती, सतपुड़ा, नर्मदा और विंध्याचल, ठीक ना? अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जिस पर्वत को हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। यहां पर जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? सतपुड़ा। अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं, ये है गुजरात से लेकर कहां तक फैला है? छत्तीसगढ़ राज्य तक फैला हुआ है। तो गुजरात से प्रारंभ होता है, या गुजरात से लेकर कहां तक है?
तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर इसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात से कहां तक इसका विस्तार है, तो गुजरात से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। बीच में यहां पर एक राज्य और मिल जाता है यहां पर, तो यहां पर बीच में जो राज्य मिल जाता है इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका क्या है, विस्तार है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को एक नाम दिया जाता है, और गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को नाम दिया गया राजपीपला। क्या नाम दिया गया, राजपीपला पर्वत। तो गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला पर्वत कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में से महादेव पहाड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश में से क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में से महादेव पहाड़ी कहा जाता है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में से एक नाम दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ में नाम दिया जाता है मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में से नाम दिया जाता है मैकाल पर्वत। यानी सतपुड़ा पर्वत को भारत के तीन राज्यों में इसका विस्तार है, भारत के तीन राज्यों में इसका विस्तार है, और तीनों राज्यों में ही अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी, और छत्तीसगढ़ में क्या नाम दिया गया, छत्तीसगढ़ में नाम दे दिया गया मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में क्या नाम दे दिया गया, तो छत्तीसगढ़ में नाम दे दिया गया मैकाल पर्वत। अब यहां पर देखिएगा, जो ये महादेव पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी पर एक चोटी है, महादेव पहाड़ी पर एक चोटी है, और महादेव पहाड़ी पर जो चोटी है इस चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ी पर एक चोटी है और महादेव पहाड़ी पर जो चोटी है इस चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी जो है वह न केवल मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ महादेव पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, और सतपुड़ा पर्वत की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में यहां लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, मध्य प्रदेश की कौन सी चोटी है, तो मध्य प्रदेश की कौन सी चोटी है, सर्वोच्च चोटी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा जाएगा तो आप धूपगढ़ बता देंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो धूपगढ़ बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, तो एमपी बता देंगे। कौन सा बता देंगे, एमपी बता देंगे। जिस प्रकार मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ऐसे ही हमारे सभी साथी, हमारे सभी अध्यापक बंधु आपको ऐसी सारी चीजें क्लियर कराते हैं। जो भी पुराने बैचों के बच्चे हैं, जो किसी ना किसी बैच में हमारे पढ़ रहे हैं, आप लोग इन्हें फीडबैक दे सकते हैं। जो हमारे लिए नए होने वाले बच्चे हैं, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। एक मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, यदि आप इस एकलव्य बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप इस एकलव्य बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर भेज देना है, इंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर भेज देना है। आपको एडमिशन से संबंधित प्रक्रियाएं समझा दी जाएंगी, और एडमिशन किस प्रकार लेना है, कब से आपकी क्लासेस संचालित होंगी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। अन्य संस्थानों की अपेक्षा न्यूनतम शुल्क में आपको समझाया जाएगा, न्यूनतम शुल्क में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और सबसे अच्छी गुणवत्ता दी जाएगी। और सबसे अच्छी क्या दी जाएगी, तो गुणवत्ता दी जाएगी, ठीक ना। तो अभी अपना व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव कीजिएगा, एंट्री यूपीएसआई लिखकर इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया बता दी जाएगी। आपकी अन्य कोई समस्या है तो हमारे कुछ क्वेरीज नंबर है, इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। हमारे काउंसलर्स के नंबर है, इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े चलेगा, आइएगा जहां पढ़ रहे थे वहीं पर आते हैं। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है, और यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इस महादेव पहाड़ी पर एक स्थान है जहां पर लोग बाग घूमने जाते हैं, और इस स्थान का नाम है पंचमणि पर्यटन स्थल। क्या नाम है, तो पंचमणि पर्यटन स्थल है यहाँ पर। क्या नाम है, पंचमणि पर्यटन स्थल। ऐसे क्षेत्र जहां पर हम घूमने जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम
पर्यटन स्थल बोलते हैं, और यदि पर्यटन स्थल पर्वतीय क्षेत्रों पर है तो इनको हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमणि पर्यटन स्थल या पंचमणि हिल स्टेशन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में किस पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है, ठीक ना, किस पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है। यहां देखिएगा, पंचमणि न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि भारत में 18 जनमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और उन 18 जनमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक आपका कौन सा है, एक आपका पंचमणि है। तो पंचमणि क्या है, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये भी याद रखना है, पंचमणि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक ना। यहां देखिएगा, यहां पर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना, इसको मैं यहां से क्लियर कर दे रहा हूं, तो आपको यहीं पर मैं जो फ्लो चार्ट मुझे बनाना है वो मैं बना दूंगा। यहीं पर देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के समीप जहां पर मैकाल पर्वत है, यहीं पर एक पठार है, और यहां पर जो पठारी क्षेत्र है, इस पठार का नाम है अमरकंटक। इस पठार का नाम क्या है, तो इस पठार का नाम है अमरकंटक पठार, और अमरकंटक पठार से दो नदियां निकलती हैं, अमरकंटक पठार से दो नदी निकलती हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है यहां से, अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक ना, यहां से एक नदी निकलती है नर्मदा, और यहां से एक नदी और निकलती है, जो नदी यहां से निकलती वो है सोन, तो नर्मदा नदी एवं सोन नदी निकलती है यहां से, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के साथ साथ कौन सी नदी, सोन नदी, तो नर्मदा नदी और सोन नदी यहां से निकलती हैं, कहां से, तो अमरकंटक पठार से। वास्तव में देखा जाए तो अमरकंटक पठार न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं पर है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं पर है, ठीक ना। यहीं पर मैकाल पर्वत पर या अमरकंटक पठार के समीप ही मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी एक ही बात होती है, तो मैकाल पर्वत पर एक सबसे ऊंची चोटी है, और मैकाल पर्वत पर जो सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम भी याद रखना है अमरकंटक चोटी, कौन सी चोटी है, तो यहां पर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है अमरकंटक चोटी, और अमरकंटक जो चोटी है यह कहां की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ राज्य की और सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए कि सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम अमरकंटक चोटी है, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पर है, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पर, ठीक ना, बोलिएगा यहां तक क्लियर है चीजें। तो आपका एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है, तो सतपुड़ा, आपके सामने सतपुड़ा पर्वत का मानचित्र है, बना लीजिएगा इसको, सतपुड़ा पर्वत का मानचित्र है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, बनाने का मतलब है स्क्रीनशॉट लेना है। आगे देखिएगा, अब हम लोगों ने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था अरावली, अरावली के बाद मैंने आपको विंध्याचल, सतपुड़ा, अब यहां पर ये भारत का पूर्वी घाट है और ये भारत का पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट जो है भारत का, ये भी वास्तव में देखा जाए तो एक भ्रंश कगार है, भ्रंश पर्वत है, भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत है, और इस पर्वत के अंतर्गत कई सारे पर्वत है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है। तो हमारा अगला टॉपिक है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र। यहां पर मैं अभी एक नदी बताया हूं आपको, यहां पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है ताप्ती। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक यहां पर कई सारे, इस प्रकार से कई सारे पर्वत ऐसे फैले हुए हैं, इन्हीं कई सारे पर्वतीय क्षेत्रों को नाम दिया जाएगा सम्मिलित रूप से पश्चिमी घाट, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह एक
यह एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार का मतलब है जब कोई पर्वत या जब कोई देश किसी दूसरे देश से अलग होता है तो जो दरार रूपी संरचना बनती है उसी दरार रूपी संरचना को हम भ्रंश कगार कहते हैं। और भ्रंश कगार में के आसपास जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनको हम भ्रंशोत्त पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक भ्रंश कगार है या भ्रंशोत्त पर्वत है, ठीक है ना। इसका हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र। साथ ही साथ अगर इसके हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। तो ताप्ती नदी के मुहाने से इसका विस्तार, रुकिएगा वही पी लेंगे, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका क्या है, तो ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, ठीक ना। इसको बनाइएगा या इसी में हम बना देते हैं। देखिएगा इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर एक चोटी याद रखनी है आपको, कलसूबाई महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक चोटी याद रखनी है आपको, कलसूबाई पश्चिमी घाट पर ही है। और ये कहाँ पर है, तो आगे हम राज्य का नाम भी लिख दे रहे हैं, एमएच का मतलब क्या है महाराष्ट्र है। एक यहां पर है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही है, महावलेश्वर चोटी या महावलेश्वर पर्वत। तो इस पे एक और याद रख लीजिएगा, महावलेश्वर चोटी या महावलेश्वर पर्वत, ये भी कहां पर है, ये भी एमएच में है, कर्नाटक के क्षेत्र में। यहां पर एक पर्वत याद रख लीजिएगा, बाबा बुदान पर्वत। कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर एक पर्वत है बाबा बुदान पर्वत, केरल और कर्नाटक के सीमा पर। यहाँ पर एक पर्वत याद रख लीजिएगा, इस पर्वत का नाम है नीलगिरी। के बाद एक और पर्वत यहाँ पर याद रख लीजिएगा, केरल तमिलनाडु सीमा पर, अन्नामलाई। कौन सा है, अन्नामलाई। और एक पर्वत यहाँ पर और याद रख लीजिएगा जिसका नाम है कार्डमम पर्वत। ये तीनों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। बकाया जो अभी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है, इनको मैं अलग से एक अभी डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूँ। अभी तुरंत मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक ना। जो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनको हम दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत रखते हैं, है ना। पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र या दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत रखते हैं। कौन से हैं, तीन है के नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। देखिएगा ये भारत है और यहां पर केरल है, यहां पर तमिलनाडु है, तो एक पर्वत यहां पर है। तीन पर्वत ऐसे हैं जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, और एक पर्वत ऐसा है जो केवल तमिलनाडु में है। इन्हीं चार पर्वतों को सम्मिलित रूप से हम नाम दे देते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो हम यहां पर यही हेडिंग लगा रहे हैं, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और दक्षिण भारत के अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए
तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत चार पर्वत शामिल हैं, इसके अंतर्गत चार पर्वत शामिल हैं। और चार पर्वत कौन कौन से हैं? तो पहला पर्वत है जिसका नाम है नील गिरी, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, तो एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद दूसरा पर्वत है जिसका नाम है अन्ना मलाई नीलगिरी, दूसरा पर्वत कौन सा है, अन्ना मलाई पर्वत है, नीलगिरी पर्वत अन्ना मलाई पर्वत है। उसके बाद जो पर्वत है कार्डमम, कार्डमम पर्वत, नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम, और एक पर्वत और है जिसका नाम है पालिनी, एक पर्वत और है और इस पर्वत का नाम है पालिनी पर्वत। अगर हम पालिनी पर्वत की बात करते हैं तो ये पालिनी पर्वत केवल और केवल तमिलनाडु में है। पालिनी पर्वत कहाँ पर है? तो पालिनी पर्वत केवल और केवल कहाँ है, तमिलनाडु में है। जबकि नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम, ये जो चार तीन पर्वत है, नीलगिरी कार्डमम और अन्नामलाई, ये तीन पर्वत जो है ये कहाँ पर है? तो ये तीनों पर्वत जो है वो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम। नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम ये पर्वत कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। जबकि पालिनी केवल केवल तमिलनाडु राज्य में, केवल केवल कहाँ है, तो केवल और केवल यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। अब यहां से हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी, यहां से ये अन्नामलाई पर्वत जो है, अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी है और अन्नामलाई पर्वत पर जो चोटी है इसका नाम है अनाई मुड़ी। अन्नामलाई पर्वत पर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अनाई मुड़ी चोटी। क्या नाम है? अनाई मुड़ी चोटी है। और ये अनाई मुड़ी जो चोटी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। और बताइएगा दक्षिण भारत को हम किस नाम से जानेंगे? दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानेंगे। तो चाहे तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर क्या नाम दिया जाए, प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। तो चाहे तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है अनाई मुड़ी। अब एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे दक्षिणतम सर्वोच्च चोटी का नाम, क्या पूछा उसने, भारत की सबसे दक्षिणतम सर्वोच्च चोटी, तो भारत की पूछ रहा है यानी भारत देश की सबसे दक्षिण में, तो भारत की सबसे दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी वो यही तो होगी अनाई मुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहिएगा या भारत की सबसे ऊंची दक्षिणी चोटी पूछा जाए तो आप बताएंगे अनाई मुड़ी, ठीक ना? क्या पूछा जाएगा? भारत की सबसे दक्षिणी सर्वोच्च चोटी, तो भारत की सबसे दक्षिणी सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो आप बताएंगे अनाई मुड़ी कहां पर है। अब अनाई मुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर है, अन्नामलाई पर्वत तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन अनाई मुड़ी चोटी आपसे पूछा जाए तो ये अनाई मुड़ी चोटी के बारे में याद रखिएगा कि अनाई मुड़ी चोटी जो है वह किस राज्य में है। तो अनाई मुड़ी चोटी जो है वो केवल केवल जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है केरल। पर्वत केरल और तमिलनाडु में है लेकिन चोटी केरल में है, इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो अनाई मुड़ी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, तो केरल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाई मुड़ी है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणी सर्वोच्च चोटी का नाम, तब भी अनाई मुड़ी। इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। नीलगिरी पर्वत पर आइएगा, नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी है और नीलगिरी, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, नीलगिरी पर्वत पर एक चोटी है और नीलगिरी पर्वत पर जो चोटी है इस चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है दोड़ा बेटा। कौन सी चोटी है? तो यहाँ पर जो चोटी है उस चोटी का नाम है दोड़ा बेटा चोटी। कौन सी चोटी है? दोड़ा बेटा चोटी है। और ये दोड़ा बेटा चोटी जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है? अनाई मुड़ी। तो दक्षिण भारत की
दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटी को ही हम क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च चोटी। तो दक्षिण भारत की दूसरी या दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। कहां पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। कहां पर है? तो यह है आपकी नीलगिरी पर्वत पर। अब पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, तो पर्वत पूछे तो नीलगिरी, और राज्य पूछेगा तो यहां लिख दूं मैं, राज्य का नाम यहां लिख दे रहा हूं। तो राज्य अगर पूछेगा तो TM लिख दे रहा हूं, और बाबू TM का मतलब है तमिलनाडु, TM शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहां पर स्पेस ना होने के कारण। और TM का आप अर्थ क्या लगाएंगे, तो TM का अर्थ है यहां पर तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। इसी नीलगिरी पर्वत पर डोडा बेटा हो गई, और इसी नीलगिरी पर्वत पर एक पर्यटन स्थल है, या आप कह सकते हैं हिल स्टेशन है, ऊटी या ऊटक मंडल। ऊटी या इसी को नाम दिया जाता है ऊटक मंडल। तो ऊटी या ऊटक मंडल, ऊटी या ऊटक मंडल क्या है ये? तो ऊटी या ऊटक मंडल पर्यटन स्थल, ऊटी या ऊटक मंडल पर्यटन स्थल है। कहां पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ऊटी या ऊटक मंडलम पर्यटन स्थल कहां पर है, तो पर्वत पूछे तो नीलगिरी, अगर राज्य पूछेगा तो किस राज्य में स्थित है ऊटी या ऊटक मंडलम, तो आप बताएंगे TM अर्थात तमिलनाडु। TM अर्थात कौन सा? TM अर्थात तमिलनाडु, ठीक ना। चलिए, तो ये आपकी चोटी है और ये आपके कुछ पर्वत हैं, ठीक ना। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई। नीलगिरी पर्वत होता क्या है कि जब मानसून आता है तो यही पर्वत जो है मानसून को आने से रोकते हैं, और केरल के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ वर्षा करता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून टकराता है? तो भारत के जिस राज्य से सबसे पहले मानसून टकराता है उस राज्य का नाम है केरल। उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य से सबसे पहले मानसून टकराता है, तो केरल राज्य से सबसे पहले मानसून टकराने के कारण, क्योंकि मानसून जब केरल में आता है तो केरल की जो पर्वतीय क्षेत्र है वह मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। जब वह मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं तो मानसून यहाँ पर भयानक रूप से क्या करता है? भयानक रूप से यहाँ पर वर्षा करता है। तो अधिक वर्षा होने के कारण नीलगिरी पर्वत पर, ठीक ना, नीलगिरी पर्वत पर अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। सीधी सी बात है, जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाएंगे। पेड़ पौधे इसलिए अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं क्योंकि वर्षा अधिक हो रही है, और जीव जंतु अधिक मात्रा में इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि जीव जंतु उन पेड़ पौधों से अपने भोजन की प्राप्ति करेंगे। तो नीलगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर अधिक वर्षा होने के कारण अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, यानी यह जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ की जो जैव विविधता है वो आया देखें, बायोडायवर्सिटी। तो ऊपर को एरो बना दिया अगर हमने, तो ऊपर एरो का मतलब है अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक घाटी भी है, उस घाटी का नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नीलगिरी पर्वत के निचले क्षेत्रों में है, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, सॉरी आप ऐसे समझिएगा, ये पर्वत है नीलगिरी या नमलाई, और यहाँ पर नीचे घाटी है। इस घाटी में भी यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो वर्षा अधिक होने कारण इस घाटी में भी बहुत अधिक मात्रा में सघन वनस्पति पाई जाती है। इतने सघन वनस्पति पाई जाती है नीलगिरी के जंगलों में कि कई बार यहाँ पर हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि दो वृक्षों के मध्य से जब हाथी गुजर रहा था तो वृक्षों के मध्य में ही फंस गया। इतने सघन वन पाए जाते हैं, भूल भुलैया बनाई गई हैं। एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी आई थी वीरप्पन। तो वीरप्पन एक डाकू था, जब वो आता है कहीं पर कोई गड़बड़ करके आता था तो नीलगिरी के घने जंगलों में गायब हो जाता था। इतने घने जंगल थे कि जो पुलिस थी वो उसे ढूंढ ही नहीं पाती थी, जो फोर्स था उसे ढूंढ ही नहीं पाता था कि आखिर है कहाँ पर। तो बहुत अधिक घने जंगल हैं, और जहां पर अधिक घने जंगल होते हैं वहीं पर बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। तो यहीं पर नीलगिरी पर्वत के समीप एक घाटी भी याद रखना है आपको, और नीलगिरी पर्वत के समीप जो घाटी है उस घाटी का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर जो घाटी है इस घाटी का नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली। लेकिन नीलगिरी पर्वत पर तो है, या नीलगिरी पर्वत के समीप तो है, लेकिन गलती से भी राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु मत लगाइएगा। राज्य अगर पूछे कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो आपको आंसर देना है कि शांत घाटी जो है
वो केरल राज्य में है। सांध घाटी जो है वो किस राज्य में है, तो सांध घाटी जो है वह जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है केरल। ये आपको याद रखना है, यह है आपको याद रखना है, ठीक है। बोलिए इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। इसमें आप कुछ चीजें मैं मिटा देऊंगा या मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, चलेगा। यहां देख लीजिएगा, मैं सीधा मानचित्र बना देता हूं ऐसा। ये मान लीजिएगा आपका केरल है और ये मान लीजिएगा आपका तमिलनाडु है, एक केरल है और दूसरा तमिलनाडु है। यहां पर एक पर्वत है और यहां पर जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है नीलगिरी, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई और यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है कार्डमम। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम ये तीन पर्वत हैं केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, और एक पर्वत यहां पर है जिसका नाम है पालिनी, जिसका नाम क्या है, पालिनी। तो दो पर्वतों के मध्य से होकर गुजरने वाले रास्ते को हम दर्रा कहते हैं, दो पर्वतों के मध्य से गुजरने वाले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। तो यहां पर ये नीलगिरी है, याद रखिएगा, एन बना दे रहा है या एस समझिएगा, नीलगिरी समझ में आ ही रहा है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, इन दोनों के मध्य में एक दर्रा है, दो पर्वतों के मध्य से गुजरने वाला रास्ता, इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है, तो इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। आपसे पूछा जाएगा पालघाट दर्रा कहाँ है, तो आप देख लीजिएगा ये कौन सा पर्वत है, नीलगिरी है और ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य में कौन सा राज्य, केरल, कौन सा राज्य, तमिलनाडु। तो केरल को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से, या कह सकते हैं तमिलनाडु केरल से जोड़ता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद है कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तो अन्नामलाई और कार्डमम के मध्य में भी एक पर्वत, एक दर्रा है, इनके मध्य में भी एक दर्रा है, दो पर्वतों से के मध्य से गुजरने वाला रास्ता, और इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा। इस दर्रे का नाम क्या है, तो इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। तो एक है पालघाट दर्रा और दूसरा है आपका कौन सा दर्रा, तो दूसरा आपका सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा यह दो ऐसे दर्रे हैं, यह दो ऐसे दर्रे हैं जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं, केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं, केरल को किससे जोड़ते हैं, तो केरल को तमिलनाडु, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, नीलगिरी, सॉरी पालघाट और सेनकोट्टा। पालघाट नीलगिरी और किसके मध्य में है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में, यहां भी बना देते हैं हम। यहां पर कौन सा दर्रा है, तो यहां पर जो दर्रा है वो पालघाट है और यहां पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा। इस दर्रे का नाम क्या है, तो इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। तो पालघाट दर्रा है और दूसरा दर्रा कौन सा है, सेनकोट्टा दर्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिएगा अब इतने पूरे डायग्राम से दक्षिण भारत, इन दोनों की कोई विशेषता नहीं है इसलिए हम नहीं समझाए। अब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे आईएएस पीसीएस का पूछ ले या फिर कोई भी परीक्षा का पूछ ले, आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। बस ये जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसी प्रकार से आपको अपने माइंड में इसको सेटअप कर लेना है, उसी प्रकार से आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। गारंटी की बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, गारंटी से कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। कोई भी एग्जाम होगा आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर कर आएंगे, कोई भी एग्जाम होगा आप उसको फाड़ कर आएंगे, आप उसको क्लियर करके आएंगे, आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसी प्रकार एकलव्य जो बैच है वो चलाया गया है यूपीएसआई के लिए, और यूपीएसआई में यदि आपको पास होना है तो एकलव्य बैच में आपको आना होगा, और एकलव्य बैच में जितनी गंभीरता के साथ हम सभी टीचर पढ़ाएंगे उतनी गंभीरता के साथ आपको उसमें पढ़ना होगा। और इस गंभीरता के लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर एंट्री यूपीएसआई लेकर सेंड कर देना है, आपको एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया समझा दी जाएगी। बैच की विशेषताएं भी यहाँ लिखी है, प्रतिदिन 6 घंटे की आपकी क्लासें होंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, संभावित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला दी जाएगी, 100+ प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, मैराथन रिवीजन होगा और आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो ये हमारे एकलव्य बैच की विशेषता है, अवधि इसकी 4 माह है, ठीक ना, और ये हमारा नंबर है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, कॉल अस इन नंबरों पर, ठीक ना। तो ये हमारा नंबर है, साथ ही साथ स्क्रॉलिंग में भी नंबर चल रहा है,
एकलव्य बैच में आइएगा और एक एकलव्य बनकर यहाँ से आप जाइएगा। निश्चित रूप से आपके कंधों पर सितारे होंगे, दिल में जुनून होगा और जोश होगा, साथ ही साथ आपका समाज में, देश में एक मान सम्मान होगा, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, समाज में कुछ योगदान करने का इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो अपनी बात को मैं आज यहीं विराम देता हूँ। हल्का सा जुकाम भी है इसलिए मैं जाना नहीं पढ़ा पाया आपको। ठीक ना, तो आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।